हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपना फेसबुक ओपन कर लेता हूं और सर्च पे चला जाता हूं। आपको दिखाता हूं कि मैं कौन सा अकाउंट को डीएक्टिवेट करूंगा। जो ये राहुल चंद्रा दिख रहा है या लिंक दिख रहा है, दोनों एक ही अकाउंट का लिंक है और नेम है। तो मैं लिंक वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखो, वो जो राहुल चंद्र वाला था, ये मेरा दूसरा अकाउंट है। मैं इसी को डीएक्टिवेट करके आपको दिखाऊंगा। तो चलो, सबसे पहले मैं इस अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ और जिसको डीएक्टिवेट करता है उस अकाउंट को मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखो, लॉगिन हो गया। इसमें कुछ भी नहीं हो गया, नया अकाउंट है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे जब जाओगे तो नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे नीचे सेटिंग एंड प्राइवेसी मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखो, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट देखो यार, क्योंकि थोड़ा सा भी आप ऊपर नीचे करोगे, भगा भगा देखोगे तो आपका ना अकाउंट ना डिलीट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। मतलब फालतू डिसेबल के डीएक्टिवेट करने के चक्कर में आपको आपका अकाउंट से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो का पूरा देखो, ओके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी क्लिक करने के बाद सेटिंग में चले जाना है। तो सेटिंग में जब जाओगे ना आप, तो ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको सबसे पहले वाले पे चले जाना है, पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। जब इस पे जाओगे तो ऐसा आपको चार ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको यहाँ पे जाना है, फोर्थ वाले पे, ओके। फोर्थ वाले पे जाओगे, वहाँ पे आप क्लिक करोगे। तो देखो, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर अभी तक ये वीडियो आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो इस तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाए रखो, ओके। तो इसमें देखो, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट बात आता है, यहाँ लिखा है डीएक्टिवेट एंड डिलीट, ठीक है। तो आपको ना उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको ऐसा दो ऑप्शन मिलेगा, एक डीएक्टिवेट और एक डिलीट। तो आपको करना क्या है, पहले वाले पे टिक रहने देना है एंड कंटिन्यू एंड अकाउंट डीएक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपसे पासवर्ड मंगा जाएगा, तो आप सिंपली अपना अकाउंट का पासवर्ड डाल दो। तो मैं अकाउंट का पासवर्ड डाल देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपसे ऐसा ऑप्शन मंगा जाएगा, ठीक है, डीएक्टिवेट योर फेसबुक अकाउंट। तो आप ना पहले वाले पे क्लिक कर देना, पहले वाले पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे बोला जाए क्या, दो तीन चीज़ मंगा जाएगा। इसमें आप कुछ मत करना, बस लास्ट वाले पे आना और इसको ना आप क्या करना बताऊँ, इस पे लास्ट वाले पे आना और क्या करना, ये सबसे जो नीचे है ना उस पे क्लिक कर दें। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, अगर एक दिन चॉइस करोगे तो एक दिन बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली रीएक्टिव हो जाएगा, दो करोगे तो दो दिन बाद, तीन करोगे तीन बाद, सात करोगे सात दिन बाद, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट डीएक्टिवेट से एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको करना है सबसे लास्ट वाले पे, मैं नहीं चाहता कि मेरे अकाउंट अभी एक्टिवेट हो, उस पर क्लिक करके आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये सबको आप टिक कर देना, ठीक है। और जब टिक कर लोगे ना ये सब, देखो ये पहला वाला जो है इंस्टाग्राम में, सॉरी इंस्टाग्राम बोलते मैसेंजर पे यूज़ हो जाएगा, और ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो। तो अगर आप दोनों को टिक नहीं करोगे ना, तो मैसेंजर से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। तो हम नहीं चाहते, सब पूरा का पूरा अपने अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो दोनों को टिक करना है और सिंपली यहाँ पे डीएक्टिवेट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। यहाँ इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो गया है और आगे मैं आपको कुछ और बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले मैं इस अकाउंट पे ओपन कर लेता हूँ और उसको सर्च कर लेता हूँ। देखो, राहुल चंद्रवाल था और ये मेरा लिंक था, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो अकाउंट नहीं दिखाएगा, मतलब मेरे का अकाउंट पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो चुका है, ओके। अब उसको एक्टिवेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली वाला अकाउंट जो था ना आपको, जो डीएक्टिवेट किए हो, उस पर आपको सिंपली चले जाना है और उसको बस एक बार आपको लॉगिन करना है। सिर्फ जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना आईडी और पासवर्ड डाल के, तो वो अकाउंट ऑटोमेटिक रीएक्टिवेट हो जाएगा। देखो, यहाँ से हो गया। अब मैं वापस से अपना मेन अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और आपको इस अकाउंट को दोबारा से खोल के दिखाता हूँ। ये देखो, राहुल चंद्र वापस से आ गया, मतलब वो एक्टिवेट दोबारा से हो गया। या लिंक पर भी जाकर दिखा देता हूँ। ये देखो, अकाउंट दोबारा शो कर रहे हैं ना, मतलब इसका मतलब यह है कि अकाउंट एक्टिवेट हो गया। तो आपको दोनों चीज़ बता दिया एक ही वीडियो में, कि कैसे डीएक्टिवेट करना है और कैसे एक्टिवेट करना है। तो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ यार, ओके। चलो, थैंक यू, बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिए देना, ओके, बाय।